अब चला आराम से सोवा जाए या बिस्तर लगाए तबेरे फिर जजमानी में चले गबा। ऐसा है पंडित चाचा, हाँ आप पर सो जाए हम बैठी सो ले। अरे पगलाऊ का करे बैठ के सो गया, समय ज्यादा हो गया, दोनों जने हुई लेट जाए हुई सो लीन जाए और सबेरे पूजा सुना हुआ चले गया है ना। चला यह ठीक कहा था, बिस्तर कमी वहाँ है जगह हाँ कमी है, चलो लग जाओ। साथे मौका तो बहुत बढ़िया है, पांडे जी सो रहे हैं लेकिन हम लोग सह रहे हैं, किसी सोते पे वार नहीं करते, जगाया जाए। दक्षिणा देने के लिए आया हूँ। दक्षिणा देना है? दक्षिणा दक्षिणा ले लो, दक्षिणा उठो। पैसा? हाँ दक्षिणा देना है। पैसा नहीं रुपया, उठो। पैसा? हाँ पैसा ले भाई। हाँ उठो, पैसा ले आई। हाँ पंडित बाबा कैसे पास ले आ गए? एक कदम पे एक गोली, दो कदम पे दो गोली और तीसरा कदम उठा तो सीना छल नहीं कर दूंगा। सीधे यहां से चले आओ, सीधे चले आओ, सीधे चले आओ। मैंने रोका ना, मेरी गोली की रफ्तार से अधिक नहीं भाग पाओगे, मेरी गोली की रफ्तार से अधिक नहीं भाग पाओगे। अपनी जिंदगी सलामत चाहते तो सीधे चले आओ, सीधे चले आओ। क्या सोच रहे हो कि भागने से मैं बच पाऊंगा? सीधे खड़े हो जा, सीधे खड़े हो जा। हेलो पंडित जी, आप सबके हैं भैया?
मणिपुर का रहने वाला हूँ। पूजा सुनावे वाली है दोनों जन। पूजा सुनावे वाली। ए पंडित जी, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, इधर आओ। क्या बात पंडित जी? क्या बात? मेरी बात को सुनो। चाबी तिजोरी की पंडित दो इस घड़ी, वरना मरने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। देख दे चाबी तिजोरी को मुझको इस घड़ी, वरना मरने के लिए तू तैयार। जितना माल खजाना रखा है तेरे पास, उसकी चाबी मुझे दे दे और चल के तिजोरी दिखा। तिजोरी है कहा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे खाके कहता हूँ भगवान की मैं कसम है, मेरे पास ले पाई नहीं। अरे तोला सिंह तुली लो पाते नहीं है, ना हमारे पास कोई तिजोरी है, ना तो हमारे पास कोई चाबी है। चाबी पंडित दे मुझे, कहा तुम्हेरा माल, वरना अल्तर से ले लूंगा पंडित। पंडित तेरी जान बेलूगा नहीं तुझे मैं छोड़ू, पंडित तेरी जान बेलूगा नहीं तुझे मैं छोड़ू। सारा तेरा माल खजाना मैं घर से ले। पंडित जी अभी भी भलाई है, अपनी जिंदगी लग जाते हो तो चाबी मेरे हवाले कर दो। मैं एक बार नहीं बार बार कह रहा हूँ आपसे, ना मेरे पास कोई तिजोरी है, ना कोई मेरे पास कोई चाबी है, ना तुम्हारे साथ कोई रहने वाला भी नहीं है। नहीं नहीं, हमारे घर में एक लड़की है। हमारे पास एक लड़की है? जी हाँ। तो बुलाओ। अरे पंडित जी, चाबी देंगे या नहीं देंगे? चाबी दोगे या नहीं दोगे? जब मैं आ
आपसे बार बार कह रहा हूँ, ना मेरे पास कोई तिजोरी है ना तो मेरे पास कोई चाबी है। चाबी दे दे पंडित जी, अभी भी वक्त है, चाबी दे दे, चाबी दे दे पंडित जी। अरे ओ इधर आवे, इतना खुशनुमा फूल बे कहां से पंडित, तो अच्छी बात कर रखा था पंडित जी। पंडित जी अभी वक्त है, अभी भी वक्त है, चाबी दे दे मुझे, चाबी दे दे मुझे। नहीं देगा चाबी, नहीं देगा चाबी, नहीं देगा ना तू। चल मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए अपने तैयार हो जा। मैं मारूंगा नहीं से, इसका केवल एक दाहिना पैर काट लूंगा बस। और सोनू सिंह, शहरू सिंह, पंडित को, पंडित को पकड़ो, मैं इनका पैर काटता हूं, पकड़ो। अरे नहीं बाबू साहब, सारा माल खजाना मुझे दे दे, मैं यहां से चला जाऊंगा। अगर नहीं देंगे तो इसका अंजाम बुरा हो जाएगा। सरकार ई बुढ़वा का चाहे जोन करे, लेकिन हमारे बेटी का कुछ कहे ना। कुछ नहीं कहूंगा बे, कुछ नहीं कहूंगा। इससे कह दे कि, इससे कह दे कि चाबी दिलवा दे बस। पंडित जी, पंडित चाचा, ठीक है, गुच्छा ना दे। तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम कुंती है। अरे ओ कुंती, तू तो मेरे साथ चलेगी, अगर खजाना नहीं गया तू मेरे साथ चलेगी। आए साथियों, पंडित को पकड़ो, चक्कर में लेकर चलो, मैं कुंती को लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, तुमको चलना पड़ेगा मेरे साथ। आप माल खजाना नहीं देगी तुझको मेरे साथ चलाऊंगा। हरि हरि का पुकारे विपत में, हरि क्या हाल है सरकार, वही हड्डी वही खाल है। क्या हाल पूछ रहा हूं तो कह रहा वही खाल है। हाल चाल आपके खुशी में एकदम हम खुश रहता हूं। आपके बोलो राज रैयत में नहीं, आज सही कह रहे हो दरबारी। दरबारी एक बात का बहुत चिंता है मेरे पास। अब कौन चिंता हो गई, जब से राजकुमार जी हाँ महल से मैं बेदखल कर दिया, तब से मेरा दिल नहीं लग रहा है कि राजकुमार किस हाल में होगा। किसी वक्त पहले चलिए दरबार में।
साफ हो आया। बसंत लाल कहाँ तू चला जाता है यार? भैया मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ। मुसीबत कैसी मुसीबत? भैया जो हमारे पंडित जी साथ में रहते थे जी हाँ, उनको भैया अचानक पता नहीं क्या हो गया, उनका पैर एकदम टूट गया। हाँ कर रहे हैं भैया, बहुत जल्द चलिए भैया उनका इलाज। अरे बूढ़े बाबा जी ये क्या हुआ आपको, आप पे जुर्म कैसे लगाया? आराम है कुछ? आराम है भैया। हाँ आराम है। बाबा जी ये बताइए कि आपका मकान कहाँ है? बताइए चाचा जी। वहाँ मकान तक आपके मैं पहुँचा दूँ? बेटा मैं ग्राम मणिपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है वेद पांडे, और वो सोला सिंह बनवास आया था और मेरी बेटी कुंती को भी उठा ले गया है। बेटा मुझे मेरी चिंता छोड़ो, मेरी बेटी को बचा लो पहले। सोला सिंह कहाँ है तू? सोला सिंह आ गया दिलसार मार दे बको। बसंतलाल जी माताजी, तुम तो जान रहे हो जी मैया मेरे घर में कितनी लड़ाई मची है। हाँ माँ। और मेरे पति मुझसे बोलते नहीं जी माताजी। ऐसा करो जी माताजी, बोलिए ना। कुर्सी लाओ, मैं थोड़ा बैठूंगी यहीं। ठीक माताजी, आओ सुनो।